से हम कब बेगाने हो गए।
हम सब उत्तानपाद हैं क्योंकि माँ के गर्भ उत्तानपाद का अर्थ होता है ऊपर की तरफ पैर हो जिसके। हम सब माँ के गर्भ में ऊपर की तरफ पैर करके ही होते हैं, इसलिए हम सब उत्तानपाद हैं। हमारे जीवन में दो पत्नियां हैं जिसका नाम है सुनीति और सुनीति। सुनीति का अर्थ होता है सुंदर बुद्धि, सुंदर नीति, और सुरुचि का अर्थ होता है जो केवल मन को अच्छा लगे वो करना। ये हम सबके जीवन में सुनीति, यदि नीति के अनुरूप हम कोई कार्य करते हैं तो हमें ध्रुव की प्राप्ति होती है। ध्रुव माने अटल, वो थोड़ा देर से होता है पर अटल होता है। बोलो राधे राधे। सुनीति के मार्ग पर चलने वाले को कोई भी वस्तु की प्राप्ति थोड़ी विलंब से होती है परंतु ध्रुव होती है, अटल होती है। सुरुचि को प्राप्त तो उत्तम हो जाता है क्योंकि उसके बेटे का नाम उत्तम था, पर वो क्षणिक होता है, वो क्षणिक होता है कुछ देर के लिए। एक बार राजा अपने आसन पर बैठे हुए हैं, इतने में अपने एक पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के बैठे हैं, बगल में सुरुचि खड़ी है। तब तक सुनीति का पुत्र बाल सखाओं के साथ खेलते खेलते आ करके पिता की गोद में बैठने की चेष्टा करता है। राजा उसे गोद में नहीं बैठा रहे हैं सुरुचि के डर के कारण। वो बच्चा चेष्टा करता है बैठने का, राजा वात्सल्यवश पुत्र मोहवश उसको जैसे गोद में उठाते हैं, सुरुचि आकर के राजा की गोद से उठा करके नीचे पटक देती है ध्रुव को और कहती है, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मनं यदि तपसा राध्य पुरुषम। अरे बालक तू जा और जा करके भगवान की उस परम पिता परमेश्वर की तपस्या कर, और जब तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के वो प्रकट होंगे तो वो भगवान से कहना कि वो तुझे मेरे गर्भ से जन्म दे, तब तो इस राजा के सिंहासन पे बैठने का अधिकारी होगा। बोलो राधे राधे। अब यहाँ सुरुचि की मूर्खता देखो कि वो अपने गर्भ को भगवान से बढ़ के बता रही है। जिसको भगवान मिल जाएंगे उसको कभी गर्भ में आने की आवश्यकता है क्या? पर अभिमानियों का यही हाल होता है महाराज। अब ये बात ध्रुव को लग गई, रोता रोता वहां से सुनीति के पास गया। सुनीति ने कहा, क्यों रो रहा है? मातुः सपत्न्या सद्रोक्ति विद्धः श्वसन् रुषा दण्डहतो यथा हि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचम् सकाशम। सुरुचि के दो वचनों को कैसे लगा उसके हृदय में, इतना हृदय विदीर्ण हो गया,
मातृ सपत्न्या वचनं दुरुक्तोहि। जैसे किसी सर्प को डंडा मार दो वो छटपटाने लगता है, उसी प्रकार से ध्रुव छटपटा गया। सुनीति के पास गया, सुनीति ने कहा कोई बात नहीं बेटा, माने अगर कुछ हो दिया तो बुरा मानने की क्या बात है, और माने तो अच्छा बोला है कि भगवान की तपस्या करो, इसमें बुरा क्या है। अरे जाओ तुम भगवान की तपस्या करो, वो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें न जाने कौन सी गोद में बिठा देंगे। माँ के वचन को सुन के रातों रात वो बच्चा निकल गया भगवान की तपस्या करने के लिए। रास्ते में नारद जी मिले, नारद जी ने परीक्षा ली ध्रुव की, 5 वर्ष का बालक भगवान की कैसे तपस्या करेगा। हो सकता है माता के वचनों को सुन करके हृदय में आघात पहुंचा है, चलो थोड़ा समझा बुझा के घर भेज देते हैं। पर उसके मन में तो बात पड़ी, चुभ गई थी नारद। जब देखा नारद जी ने कि ये नहीं मानेगा तो द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। वो द्वादशाक्षर मंत्र लेकर के वृंदावन में मधुबन में जा करके और भगवान की तपस्या ध्रुव ने प्रारंभ कर दी। कैसे तपस्या की? पहले महीने में 3-3 दिन छोड़ करके कुछ फल खा लेते, 3 दिन बाद। दूसरा महीना आया तो 6 दिन छोड़ करके कुछ जल पी लेते। देखो व्रत तपस्या कैसे करनी चाहिए, यदि आदत नहीं है तो धीरे धीरे करके छोड़ना व्रत करना चाहिए। ये नहीं कि दिमाग में सिंदूर आ गया कि इस बार तो 9 नवरात्रे रखने हैं, कभी रखा नहीं और 9 नवरात्रे रख लिया, पहला दूसरा दिन या तीसरे दिन पता लगा कि जो है वो ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही है। बोलो राधे राधे। व्रत करने का भी एक नियम होता है, धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं छोड़ देना चाहिए। तपस्या का नियम ध्रुव जी ने पहले महीने में 3 दिन तक फल छोड़ के तीसरे दिन फल खाते थे, दूसरे महीने में फल छोड़ दिया, छठे दिन केवल जल पीते थे, तीसरे महीने में 12वें दिन कुछ पत्ते इत्यादि या जल पी लेते थे, चौथे महीने में खाना बिल्कुल छोड़ दिया, 15वें दिन केवल वायु पीते, 15वें, 5वें महीने में वायु ही छोड़ दिया। और जब 5वें महीने में वायु का भक्षण भी छोड़ दिया, वायु लेना भी छोड़ दिया, परमात्मा को अपने अंदर बिठा करके ध्रुव जी ने श्वास रोक दिया, श्वास रोक दिया। अब जैसे भगवान को अंदर बिठा करके ध्रुव जी ने श्वास रोका तो त्रैलोक्य का सांस रुक गया, त्रैलोक्य का सांस रुक गया। अब तो देवता भागे भागे भगवान नारायण की शरण में, प्रभु यह क्या हो गया, हम सब श्वास नहीं ले पा रहे हैं। भगवान ने कहा डरो मत, नैवम विदानो भगवान मनोमन। देवताओं ने कहा हमें समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया, सबका श्वास रुक गया। भगवान ने कहा मां भरिष्ठ डरो मत, मेरे एक भक्त ने मुझे अपने अंदर समाविष्ट करके बिठा के अपना श्वास रोक लिया है, मेरी जगत में तन्मयता के कारण सबका श्वास रुक गया है, मैं अभी सब ठीक करता हूँ। और ऐसा कह करके भगवान जो है वो ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए, प्रकट होकर के भगवान ने ध्रुव को आवाज लगाई, पुत्र ध्रुव। पर ध्रुव जी अपने ध्यान में मगन है, ध्रुव जी ने भगवान की वाणी को सुना नहीं। अब कैसे जगे? तो फिर भगवान ने जो ध्रुव के अंदर भगवान की छवि बसी थी
उस छवि को आकर्षित किया, बाहर निकाला, और जैसे ही वो भगवान की छटा बाहर निकली तो छटपटा के ध्रुव ने जब नेत्र खोला तो सामने क्या देखते हैं कि वही छवि ध्रुव जी के सामने खड़ी है।